दाल और लेमन बढ़िया लगते हैं गाइस। बिना दाल और बिना लेमन के दाल अच्छा नहीं लगता। अरे यहाँ पे अरे बढ़िया बनाए। आलू सब्जी दाल के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। गाइस आपकी वहाँ पे ये सब्जी को क्या बोलते हैं? मुझे तो पता नहीं था हिंदी में इसको क्या नाम था ये काकोडा। काकोडा स्पेनिश वर्ड। आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है गाइस। आलू बहुत ही ज्यादा क्रंची हुआ है। दाल भी बढ़िया बनाया क्योंकि इसमें करी लिप्स दिया है मैंने।
पानी पीना पड़ेगा। नहीं तो गले में अटक जाता मेरा। बहुत ही टेस्टी था गाइस। वैसे भी मेरा दाल चावल फेवरेट है, और इसके साथ आलू भाजी, मजा ही आ गया। अब खाएंगे अलग शेप वाला रसगुल्ला। गुलाब जल डालते हैं, गुलाब जल का स्मेल आ रहा है। और ये गाइस 10 रुपये वाला कपकेक है, ये जो पैकेट में आता है ना, वो वाला वनीला फ्लेवर। ये खाने के बाद इसका मीठा बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा, मतलब क्योंकि ये केक से ज्यादा मीठा है, इसलिए पूरा केक का मीठा गायब हो गया। नहीं तो ये भी बहुत ज्यादा मीठा है, अगर ऐसे ही खाओगे तो बहुत ही मीठा है ये भी।
ऐसे नीचे बैठ के खाने में कमर भी दर्द होता है गाइस। दांत पे चिपक गया। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मैं ये बाद में खाऊंगा, इतना तो नहीं खा सकता। सो अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें गाइस। सो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।